गाइज अस्सलाम वालेकुम, सो माय नेम इज जबीहा इजाज़, वेलकम बैक टू माय चैनल थॉट्स की। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर वीडियो एंड द ट्रिकी थिंग इन दिस वीडियो इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सेकंड चैप्टर। आई एम गोना इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर रेस्ट योर हार्ट विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक माइंड प्लेटर, दिस बुक विच इज़ रिटन बाय नजवा सेबिन एंड हर कंप्लीट इंट्रोडक्शन इज इन माय इंट्रोडक्शन वीडियो। Okay, so we will gonna read this chapter and you guys will gonna see the lines on screen. I will just gonna explain these lines. So yeah, let's gonna start. Okay, so the chapter is Rest Your Heart. अपने दिल को सुकून दो। अच्छा, what does it mean by कि अपने दिल को सुकून कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए? क्योंकि ये देखिए, हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उसको पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। तो हमारे हम जो अपना दिल है हमारा, उसकी हम केयर क्यों करें, उसका रेस्ट क्यों दें उसको? क्योंकि हमारा दिल कीमती है। योर हार्ट इज़ प्रीशियस, टू टेक केयर ऑफ इट। अगर हमारा दिल कीमती है तो हम, अब हमारी कोई चीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल अ टेडी बियर, अगर हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लाइक बहुत अट्रैक्ट करता है वो हमें, तो हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो हमारा जो दिल है वो भी बहुत कीमती है, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। एक तो हार्ट जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करता है और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है। सो इफ़ यू नोटिस कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़े होते हैं, तब हमारा दिल काफ़ी, मतलब हमारी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। जबकि अगर हम थोड़ा आहिस्ता चलें, थोड़ा सोच समझ के चलें, तब हमारी हार्ट बीट भी ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही होती। बिकॉज अगर आप सोचें तो एक मशीन होती है, जब वो ओवरलोडेड काम करती है ना, तो वो बीच में आके अटक जाती है और ख़राब हो जाती है। तो उधर ही हमारा हार्ट है। लाइक राइटर ये कहना चाहता है कि जो फैसले बहुत जल्द में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, वो हमेशा ख़राब होते हैं। हमेशा हमें सोच समझ के, आहिस्ता से और मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से हर फैसला करना चाहिए, क्योंकि हमारा हार्ट प्रीशियस है। अपने है ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा दिल कीमती है और हमें ही इसकी केयर करनी है, बिकॉज आवर हार्ट इज़ वेरी प्रीशियस। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, इट मे बी एबल टू फॉरगिव अनकंडीशनली बट डोंट एग्जॉस्ट इट बाय सराउंडिंग योर सेल्फ विद दोज हु कॉन्स्टेंटली डू यू रॉन्ग। लाइक हम राइटर अब आगे ये कहना चाह रही है कि आपने कभी भी अपना रास्ता, आपकी जो पाथ है, आपका जो एग्जॉस्ट है, उसको दूसरों को चुनने के लिए नहीं देना जो हमेशा आपके लिए गलत चुनते हैं। क्योंकि हम मुसलसल उन लोगों को बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का मशवरा दो, उस चीज़ का मशवरा दो, जो हमें हमेशा गलत मशवरा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पाथ होती है, जो हमारी मंजिल होती है, हमारे रास्ते हमें बदलने पड़ते हैं। क्योंकि अब कोई भी किसी भी फील्ड में आए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं हर बात पे, लड़की हो लड़का हो, जजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड हमेशा हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें रास्ता उन लोगों को चुनने के लिए नहीं देना चाहिए जो हमेशा हमारे लिए गलत चुनते हैं। इट मे हैव एन इनफिनाइट कैपेसिटी, क्या पता आपका दिल बहुत काबिल हो, आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, फॉर पेशेंस, पेशेंस के लिए। बट डोंट एग्जॉस्ट इट बाई सराउंडिंग, लेकिन कभी भी अपने मशवरे, अपना रिमोट दूसरों को कंट्रोल करने मत दें, क्योंकि अगर दूसरा आपका रिमोट कंट्रोल करेंगे तो आप हमेशा गलत बटन पे ही दबाए जाएंगे, कभी आप सही बटन पे नहीं दबाए जाएंगे। अगर अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स और टीचर्स। पेरेंट्स तो वो होते हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में जो है हर चीज़ की तरबियत सिखाई, एंड टीचर्स हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, जिसका पता होगा, तो उनको रूहानी माँ बाप कहते हैं। तो वो दूसरी नंबर पे आते हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया के मैनर्स सिखाए, जिन्होंने हमें इस दुनिया में रहना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, जिन्होंने हमें हर चीज़ सिखाई और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं वो भी किसी टीचर्स की बदौलत इस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये बात हमें हमेशा सोचनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा हमें सही मशवरा देते हैं, तो हमने कभी भी अपना रास्ता उन लोगों को चुनने नहीं देना जो हमारे लिए गलत रास्ता चुनते हैं। अब हमारा दिल इतना कीमती है, इतना कीमती है कि जितनी कोई और चीज़ नहीं है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, सराउंडिंग विद दोज हु डोंट वैल्यू योर टाइम एंड नेवर वेस्ट योर टाइम। क्योंकि
डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर अदर्स. हमें किसी भी ऐसे इंसान पे अपना वक्त अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए जो हमारे टाइम की वैल्यू नहीं रखता, जो ये नहीं सोचता कि मेरे पे कितना टाइम दे रहा है, हमें कितना टाइम दे रहा है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टाइम दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है, हम लोग कौन सा बोला हमें टाइम दो. लेकिन इवन कोई हमारे टाइम को वेस्ट कर रहा हो, आपने खुद भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं. टाइम और हार्ट, दीज बोथ थिंग्स आर वेरी प्रीशियस. इन दोनों के बारे में हमें सोचना चाहिए. अगर हमारा दिल कीमती है तो हमेशा याद रखें कि टाइम भी हमारे लिए कीमती है, क्योंकि हमें अपनी सिर्फ हम इस दुनिया में आते हैं अपने पैशन के लिए. अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है. अगर कोई नालायक होता है तो वो अक्सर जगह पे कोई ना कोई टैलेंट अपने अंदर उभार के लाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट रखा है. तो हमें हमेशा अपने टैलेंट को यूज़ करके आगे बढ़ना होता है. हमें अपना पैशन लेना पड़ता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ. जिस चीज़ में हम ज़्यादा अच्छे हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, वो काम बहुत आसानी से हम करते हैं. हम एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीसरी बार गिरेंगे, चौथी बार हम खुद उठेंगे. क्योंकि हम जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार ही हम पास होने की कोशिश करते हैं. अब हमें चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट थिंक अबाउट दीज वर्ड्स कि मतलब आप एक बार सोचें, खुद से सोचें कि एक मशीन है, वो बहुत ओवरलोडेड वर्क करी जा रही है, तो एक टाइम आता है वो स्टॉप हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती. तो हमारा हार्ट भी बिल्कुल इस तरह का है कि हमें अपने हार्ट, क्योंकि हमारा जो दिल है वो बहुत प्रीशियस है, कीमती है, तो हमें अपने दिल की हिफाजत खुद करनी है. अब आप देखें कि हमारा सारा काम, हमारा जो हमें सब कुछ बताता है वो हमारा दिमाग होता है. तो इस राइटर ने ये क्यों कहा है कि अवर हार्ट इज प्रीशियस, क्योंकि हमारा जो दिल है वो इसलिए प्रीशियस है क्योंकि हमें इसको सुकून देना है. हर चीज़ जज्बाती में नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोई फैसला ऐसा कर लें जज्बात में आके जो आपकी ज़िंदगी पूरी अफेक्ट आउट कर सकता है, तो आपको हमेशा सोच समझ के कोई ना कोई फैसला करना पड़ता है. सो दिस इज़ माई लेक्चर फॉर टुडे एंड आई होप डैट यू गाइज विल थिंक अबाउट इट, दैट अवर हार्ट इज प्रीशियस टू टेक केयर ऑफ इट. बिकॉज हमें हमेशा दूसरी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं. जैसे कोई चीज़ हमें, अब फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल आ गया तो हम कहें कितना अच्छी चीज़ें लग रही हैं ये वो. आपने ऐसा बनना है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपका दिल प्रीशियस है. अगर और हमें लाइक लास्ट थिंग इज दिस कि मैं आप लोग को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हम अपने दिल को सुकून किस तरह दे सकते हैं. एक तो आहिस्ता से हर चीज़ को सोच समझ के करना, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर्स. क्योंकि दूसरे जो अक्सर मुश्किल में होते हैं, एंड अगर आप उनकी हेल्प कर दें तो जब आप में मुश्किल वक्त आता है तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं. ये बात का आपको हमेशा सोचनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. जो मजबूर हैं, जो लावारिस हैं, जो यतीम हैं, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए. वी हैव टू हेल्प अदर्स ताकि दूसरे भी खुश रह सकें और हम उनके साथ साथ हम भी खुश रह सकें. थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़.